आज हमारे टिफ़िन सीरीज़ का पहला दिन है और इसमें हम जो सब्जी बनाएंगे वो सीज़न की सब्जी होनी चाहिए और जिसे बनाने में कम से कम मिर्च मसाले और बहुत ही कम समय में बनाएंगे और जिसको बनाने में काजू के पेस्ट या किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा ग्रेवी को नहीं पकाएंगे और बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एक बात कहें बहुत ज़्यादा ताम नहीं करेंगे तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखिए जहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है कढ़ाई के अंदर दो चम्मच डालूंगी सरसों का तेल आप इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं तो उस पहले यहाँ पे मैंने नमको फाड़ लिया अब एक चम्मच डालेंगे जीरा डालेंगे और एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने काट कर डाला है और जितनी देर हमारा प्याज भून रहा है तो उतनी देर हम अपने टमाटर की ग्रेवी को रेडी कर लेते हैं की जार में यहाँ पे तीन से चार लसन की कलिया ली है जिसे मैंने छील लिया था इसी के साथ एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है और इन सब को हमने मिक्सी में पीसना है इसके साथ सूखा नारियल है जिसको मैंने भून लिया था और इन सब को मिक्सी में पीस एक हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे यहाँ पे मैंने पंद्रह बीस मशरूम लिए क्योंकि हम बना रहे हैं मटर मशरूम तो यहाँ मशरूम के मैंने सारे दो दो पीसेस कर लिए अब इसको एक गिलास पानी डालकर उसके अंदर नमक डालकर मशरूम को उबालेंगे ये टोटली ऑप्शनल है कि अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए हमारा तड़का तर, अच्छे से भन चुका है तो जो हमने अभी पेस्ट तैयार किया था वो डालेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे डालकर अब हमने इसको अच्छे से भूनना है और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर नारियल को डाला क्योंकि नारियल मैंने इसलिए डाला एक तो नारियल डालने से एक तो हमारी सब्जी गाढ़ी हो जाती है प्लस इसके साथ जो अगर टमाटर के अंदर थोड़ा सा खटास होता है वो सारा बैलेंस हो जाता है तो इस तरह अब हमने इसे इतना पकाना है जब तक इसमें से अच्छे से ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता जितनी देर हमारा तड़का अच्छे से पक रहा है तो उतनी देर हम अपनी दूसरी रेसिपी बना लेते हैं और दूसरी रेसिपी हमारी है पुलाव की जी हाँ इसके अंदर हम बहुत सारी सब्जियां डालेंगे अगर आपके पास गाजर है जो गोभी है तो आप उसको डालकर इसको बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कुकर के अंदर एक चम्मच देसी घी डाला इसके साथ में एक तेज़ पत्ता डालूँगी इसी के साथ में डालूंगी दो तेज़ पत्ता डाले हैं और एक मोटी इलायची डालेंगे एक छोटी इलायची डालेंगे और दो लौंग लिए हैं इसी के साथ एक स्टार चक्री फूल लिए हैं और जीरा डालेंगे दो लौंग डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए अब हम मैंने इसके आधा कप मैंने फ्रोज़न स्वीट कॉर्न लिए हैं जी हाँ आप इसकी जगह अगर आपके पास गाजर गोभी कोई भी सब्ज़ी आप इसके अंदर डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास स्वीट कॉर्न थे तो मैंने इसके अंदर कॉर्न डाल दिए उससे भी ये पुलाव बहुत अच्छा बनता है अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको सिर्फ तड़के में दो मिनट तक भूनना है ताकि इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है अब यहाँ पर मैंने पंद्रह बीस काजू लिए हैं पंद्रह बीस के लिए इसे पुलाव बहुत अच्छा बनता है और यहाँ पे देखिए मैंने एक कप बासमती राइस लिए हैं जिसे सिर्फ मैंने धोकर डाला आप जब भी यहाँ पर कुकर में राइस बनाएं तो उसको सिर्फ़ भिगोए नहीं इसे धो कर डालें इससे राइस काफ़ी खिले खिले बनते हैं तो कढ़ाई में या पतीले में ये राइस बना रहे हैं तो आपने दो गिलास पानी डालने हैं तो मैं बना रही हूँ कुकर में तो यहाँ पे मैंने एक गिलास ली है चावल तो मैं डालूँगी डेढ़ गिलास पानी डालूँगी तो यहाँ पे देखिए मैं जिस कटोरी से आपने मेजर करना है उसी कटोरी से आपने पानी को मेजर करके डालना है इससे जो पुलाव है वो काफी खिले खिले बनते हैं तो यहाँ पे मैंने डेढ़ गिलास पानी लिया है कभी तो इस तरह पुलाव बना के देखिए बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी और डाला है टोटल मैंने डेढ़ गिलास पानी डाला है तो इसके अंदर यहाँ पे मैं एक चम्मच नमक डालूंगी तो अब मैं इस तरह कुकर को बंद कर दूंगी और यहाँ पे हमने एक फिसल लगने पर गैस को कर देंगे ऑफ दूसरी साइड हमारा तड़का अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसके अंदर मसाले मिक्स करेंगे लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च गर्म मसाला धनिया पाउडर नमक हल्दी और कितनी क्वांटिटी में डालने ये मेरे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ तो अब हाफ ग्लास डालेंगे पानी पानी डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे ये देखिए आप ग्रेवी का एक बड़ी टेक्सचर चेक कर सकते ना ऐसी लग रही है ना जैसे हमने इसके अंदर मग्स डाले या काजू या दही डाला पर हमने तो कुछ भी डाला और ग्रेवी हमारी कितनी अच्छे से पक गई है और जो हमने प्याज डाले थे वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे क्योंकि प्याज़ों को तो हमने काटा था बिल्कुल एकदम ब्रिक ब्रीक इसीलिए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और देखिए आफ्टर पाँच मिनट बाद हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है तो यहाँ पे मैं डेढ़ कप यहाँ पे मैंने मटर लिए ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं और आप इसकी जगह आप उपले मटर भी ले सकते हैं अगर आपके पास उबले मटर भी ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे मैं इसे मसाले में भुनूंगी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा था सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती तो बस इससे हमने दो से तीन मिनट तक अच्छे भुनेंगे और ये यहाँ पे जो मशरूम जो हमने उबाल के रखे थे वो भी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मसाले में इसे भुनेंगे इससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और अब हम इसके अंदर एक गिलास पानी डालेंगे एक से डेढ़ गिलास पानी डालेंगे और इसे हम मटरों को पकाएंगे इसे हमने तब तक पकाना है जब तक मटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हमने इसे मटर को पकाना है और इसे मैंने पकाते हुए मुझे कम से कम दस मिनट हो चुके हैं दस मिनट बाद लीजिए हमारी सब्ज़ी एकदम बन के बिल्कुल रेडी है और लास्ट में उसमें धर, हरा धनिया डालूँगी और थोड़ा सा पनीर मैं कद्दूकश करके डालूंगी मैं मशरूम की सब्ज़ी में इसी तरह पनीर कद्दूकश करके डालती हूँ एक तो इससे पनीर का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और प्लस सब्जी बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है और लीजिए हमारी टेस्टी सी सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है और ये देखिए आप टेक्सचर चेक कीजिए कितनी डिलीशियस सब्जी लग रही है तो अगर आप मशरूम नहीं डाल सकते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं इसकी जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं चावल और सब्जी हमारी बन के बिल्कुल रेडी है तो आप बनाते हैं ट्रायंगल शेप का पराठा तो यहाँ पे एक बड़ी सी रोटी हम बेल लेंगे बेलने के बाद अब हम इस अंदर लगाएंगे देसी घी लगाएंगे हमने सारी तरफ से देसी घी लगाना है उसके बाद थोड़ी सी डालेंगे अजवैन हाफ़ टी स्पून के करीब हमने डालनी है इसको डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह इस तरह फैला लेंगे अब एक साइड से हमने इसको काटना है काटने के बाद अब हमें इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे जितना हम फोल्ड करते जाएंगे उतनी इसके अंदर लेयर बनती जाएंगी। तो ये एक टाइप से तो लेयर वाला परोंठा होगा ट्रेंगल शेप का अब परिथन लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह बेल लेंगे धीरे धीरे करके इसको बेलेंगे लीजिए इस तरह ट्रेंगल शेप का बेलने के बाद अब हम इसको सेकेंगे और जैसे एक साइड से सीख जाए तो हम दूसरी साइड से सीखेंगे इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी तो ये देखिए पराठा बन गया और इसी तरह मैं दूसरा पराठा बनाएंगा और इसी तरह इसकी तीन तीन चार चार लेयर खुलती हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको घर आते आते रात के आठ बजे होते तो उनको वीकनेस महसूस होती तो हम बनाएंगे हेल्थी स्नैक तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच देसी घी डाला हाफ टी स्पून हल्दी लिया है नमक लिया है तो इसके साथ मैं डालूंगी पीरी पीरी मसाला यहाँ पे मैं एक चम्मच डाल और पीरी पीरी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मखाने डालेंगे आप अपने हिसाब से जितने मखाने डालें यहाँ पे मैंने एक कप मखाने लिए हैं स टेस्टी सा स्नैक हमारे बैग में जरूर होना चाहिए जब छोटी सी भूख लगे तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और बाकी आप पे डिपेंड करता है आप इसे लेके खाएं या ना खाएं लेकिन हमारे बैग में जरूर होना चाहिए और लंच हमारा बनके बिल्कुल रेडी है और ये देखिए सब्जी पुलाव और सब मैंने इसको पैक कर दिया है और कैसी लगी आपको रेसिपी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और अगर आप कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कोई अच्छा सजेशन भेजे तो ये थी हमारी टिफिन बॉक्स सी और इसके अलावा आप कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कैसी लगी आपको टिफिन बॉक्स की सीरीज तो मिलती एक नई रेसिपी के साथ